यूपी पुलिस का फिजिकल कोई हल्का फिजिकल नहीं है जो आप एक हफ्ते में क्लियर कर लोगे। तो आपको यूपी पुलिस का फिजिकल क्लियर करना है तो आपको आज से ही मेहनत करनी पड़ेगी, और यूपी पुलिस का फिजिकल करने के लिए लगभग आपको 1 से 1.5 महीने का समय आपको लग जाता है, तब आपका यूपी पुलिस का फिजिकल निकलेगा। अगर आप यूपी पुलिस के फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर नाम आ भी जाता है दौड़ के लिए, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल दौड़ से बाहर हो जाओगे। तो आज ही आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। मैं आपको बता दूंगी, अगर आपका स्कोर इतना बनना है तो आप आज से फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा, और जो खबरें चल रही हैं उसे आप खबरों को दरनिकार करते रहिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप अपने फिजिकल की तैयारी कर लीजिए। अगर आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है तो फिर आप सोचोगे कि हमने फिजिकल की तैयारी की ही नहीं, तो हम फिजिकल देने जाएंगे, तो आप लोग वैसे भी बाहर हो जाओगे। और फिजिकल आपका किस महीने में होगा वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे ज्यादा जो फिजिकल में बाहर होती है तो वो लड़कियां होती हैं, और लड़कियां क्यों होती हैं, क्योंकि लड़कियां फिजिकल की तैयारी करती ही नहीं है, और वे लोग ये सोचती रहती कि हमारा फिजिकल में नंबर आने वाला ही नहीं है, हमारे इतने नंबर ही नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप गलत से कैंडिडेट हो, अगर आपने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का एग्जाम दिया तो आपका कितने नंबर बनना है तो उस पर आपका फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। दोनों के ऊपर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगी। अगर आपके इतने नंबर है तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आज ही बिल्कुल फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। अगर आप फिजिकल नहीं करोगे तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल जब भी देने जाओगे फिजिकल तो आप बाहर हो जाओगे। जैसा आपने देखा होगा, हाल फिलहाल में जब दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसके बाद उसका फिजिकल हुआ था, और लोग बाग हाई कटऑफ के चक्कर में उन लोगों ने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी। जब दिल्ली पुलिस का फिजिकल की कटऑफ लगी थी तो बहुत कम लगी थी, और आप लोग अगर सोचते रहे कटऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी तो कटऑफ बिल्कुल हाई जाने वाली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जितनी मैं बता रहा हूँ इतने नंबर अगर आपके बनना है तो आप आज ही से बिल्कुल फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। देखो, सबसे पहले आप जानते हो जो मेल कैंडिडेट है, क्या जो मेल कैंडिडेट, उन्हें 4800 मीटर की रनिंग करनी, और उनको समय कितना है 25 मिनट का उनको समय है, ठीक है। 25 मिनट में आपको 4800 मीटर की रनिंग करनी है, जिसको मैं आपको जो ग्राउंड होता है उसके 400 मीटर का एक चक्कर होता है, यानी आपको 12 चक्कर लगाने होंगे, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट है, क्या जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 2400 मीटर की रनिंग, क्या 2400 मीटर की रनिंग और 14 मिनट में उनको ये कंप्लीट करनी है, ठीक है। और आप समझ लीजिए उनको 6 चक्कर लगाने हैं और 14 मिनट को इनको समय मिलने वाला है, ठीक। और बहुत से जो फीमेल कैंडिडेट होंगी वो गांव देहात में, क्योंकि वो रोड पर दौड़ेंगे, ठीक है, गांव में सुबह सुबह जाएंगे रोड पर देखेंगे। और जो बहुत से ज़्यादातर कुछ कैंडिडेट होंगे जो सिटी से बिलोंग करेंगे वो स्पोर्ट्स ग्राउंड में और कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर लेंगे जहाँ पर अच्छा ग्राउंड होता है, तो वो वहाँ पर रनिंग करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो गांव देहात के स्टूडेंट हैं जो फिजिकल की तैयारी में करेंगे, उनके पास तो कोई अच्छा एथलेटिक ग्राउंड नहीं है, तो आपको रोड पर ही तैयारी करनी होगी। और रोड पर जब भी आप तैयारी करो तो स्पोर्ट्स शूज के साथ तैयारी करना है, ऐसे नहीं कि जो आपके प्राइवेट वाले हो, नॉर्मल किसी भी कंपनी के हो, वो आप पहने करके रनिंग करते हो, ऐसा नहीं। अच्छे स्पोर्ट्स शूज होने चाहिए, तभी आपके जब पैर गिरेगा तभी आपके अच्छे पैर स्टेप निकलते हैं। और अगर आप रनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक धाप से बिल्कुल, ये नहीं है कि आप आज से ही 2400 मीटर रनेंगे आपकी और 48 मीटर रनेंगे तो आप आज से पूरा एकदम दौड़ गए, ऐसा नहीं करना। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसे आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो, पहला स्टेप फिर दूसरा स्टेप, इस तरीके से पढ़ते हो। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो आज 1 किलोमीटर, कल फिर 1500 मीटर, फिर 2000 मीटर, ऐसे ऐसे करके आप अपनी रनिंग बढ़ाइएगा, तभी आप दौड़ पाओगे। अन्यथा अगर आप सोचो कि हम एक ही दिन में फिजिकल तैयारी कर लें तो कोई भी माइकल लाल नहीं है जो एक दिन में 4800 मीटर और 2400 मीटर की रनिंग को क्लियर कर ले, ठीक है। और एक बार बता दूं कि जो मेल कैंडिडेट है, क्या मेल कैंडिडेट है, अगर आपके नंबर 160 के ऊपर है, क्या 160 से अगर आपके ऊपर नंबर बने हैं तो आप आज से ही फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। मेल कैंडिडेट अगर आपके 160 नंबर बने हैं तो बिल्कुल फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा, इतने नंबर पर आपको 100% है वो फिजिकल देने को मिलेगा। और नॉर्मल से भी आपका मिलेगा तो आपको कम से कम 15 से 20 नंबर का तो आपको फायदा होने वाला ही है, ठीक है। और जो भी फीमेल कैंडिडेट, अगर आपकी किसी भी कैटेगरी से अगर आपके 140 नंबर आ रहे हैं, क्या
140 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप बेझिझक होकर के आज से ही फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका फिजिकल है मार्च महीने में हो सकता है, ठीक है, मार्च या अप्रैल में आपका फिजिकल हो सकता है। अगर आप लोग कहोगे कि फिर चुनाव आ जाएंगे, तो अगर आपका चुनाव आएंगे तो फिर ये फिजिकल की डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहिएगा, ठीक है। अगर इससे पहले अगर आपका फिजिकल करा लिया जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, फिर यही कहते हो कि मैंने तो तैयारी नहीं की है, घर वालों को पोसोगे कि मैंने तो तैयारी नहीं की हुई, आप लोग यही बताते रहोगे। क्योंकि जिस हिसाब से जिस तेज गति से भर्ती कराया जा रहा है, मैं कह रहा हूँ उतनी तेज गति से आपका फिजिकल भी कंप्लीट किया जाएगा, आपकी OMR भी स्कैन अप होने लगी है, ठीक है। देखो आपने देखा कि 15-16 दिन का हमें समय दिया गया था आवेदन कराने के लिए, ठीक है, 15 नहीं थोड़ा ज्यादा समय दिया गया था, 20 दिन का समय लगभग दिया गया था। उसके बाद एक महीने के अंदर आपकी परीक्षा करा ली गई है, तो अब 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका फिजिकल भी करा लिया जाएगा। उसके बाद आपका समझ लीजिएगा कि आपका मेडिकल है वो जून या जुलाई तक हो सकता है, और नवंबर और दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग लेटर दिए जाने की पूरी पूरी संभावना है, जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, ठीक है। तो मैं उसी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल लगे रहिए। अगर आपके मेल कैंडिडेट हो 160 नंबर बनना है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और आपके 140 बनना है, किसी भी कैटेगरी से आप फिजिकल की तैयारी कर जाइएगा। और मैं बता रहा हूँ कि अगर लड़कियाँ आप फिजिकल की तैयारी नहीं करोगी तो फिर आप बाहर हो जाओगी और फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट लगेगी, क्योंकि हर भर्ती में मैंने देखा है कि लड़कियाँ सबसे ज़्यादा हैं वो फिजिकल में बाहर होती हैं, क्योंकि वो पहले से सोच रखती हैं कि हमारा फिजिकल में होना ही नहीं है, हम क्यों तैयारी करें फिजिकल की। लेकिन जब दोबारा कट ऑफ लगती है, पहली कट ऑफ लगती है, उनका लिस्ट में नाम आ जाता है, तो फिर वो यही सोचती हैं अपने आप में कि काश मैं दौड़ लेती, ठीक है, काश मैं दौड़ लेती तो आज हमारा सिलेक्शन भी हो जाता है, फिर उनके पास रोनी के अलावा कोई भी विकल्प नहीं रह जाता है। तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, चाहे आप पुरुष कैंडिडेट हो चाहे महिला कैंडिडेट हो, आज से ही आप अपने जिस भी ग्राउंड पर दौड़ना चाहते हो उस ग्राउंड पर दौड़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। साथ के साथ आप अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए, क्योंकि आपका कोई अन्य एग्जाम भी तो टारगेट होगा, सिर्फ और सिर्फ UPSC ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी अन्य परीक्षाएं भी लगी होंगी। तो आप अपने फिजिकल की तैयारी के साथ साथ आप अपनी रनिंग को भी कंटिन्यूस रखिएगा, ठीक है, दोनों बहुत ही जरूरी है आपके सिलेक्शन के लिए, अन्यथा आप समझ लीजिए कि आपका क्या होने वाला, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो वो तैयारी इसलिए जारी रखो क्योंकि आने वाले समय में आपको UPSI की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, जो आप पढ़ोगे तो वो आपको UPSI में आपका काम देगा, और जो आप फिजिकल की तैयारी करोगे तो आपके इतने नंबर बन रहे हैं जो आपके UP पुलिस कॉन्स्टेबल में फिजिकल के सिलेक्शन लेने के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कट ऑफ अगर आप कहोगे कट ऑफ पर वीडियो लेकर के आओ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आपके नंबर कितने बनना है, जिससे मैं एक स्पेशल कट ऑफ की वीडियो लेकर के आऊँ, ठीक है। उस कट ऑफ को देखने के बाद मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ उतने लेकर के आऊँगा जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी ना रोक पाए, ठीक है। तो अगर आपको ये फिजिकल वाली वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात बता दूं कि आपको गांव में जो गांव के स्टूडेंट होते हैं उन्हें रोड पर कैसे दौड़ना है उस पर मैंने एक वीडियो बना करके डाल दिए, अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आपको आई बटन पर वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकती हो, जिससे मैंने पूरा बिल्कुल विस्तृत बताया कि आपको एक गांव के कैंडिडेट हो और आपको रोड पर किस हिसाब से दौड़ना है, कौन से जूते पहन के दौड़ना, सब कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर आपको क्लियर करके बता दिया है। तो आप उस वीडियो को जाकर के भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।